नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनको आपने कई बार देखा होगा अलग अलग जगहों पर, हालांकि अब तक आपने वर्दी में देखा है, लेकिन आज हम उन्हें बुलाए हैं कई सारी बातों पर चर्चा करने के लिए, चाहे साइबर एनकाउंटर हो या फिर स्पोर्ट्स को लेकर हमारा देश कितना आगे है और आने वाले सालों में कितना आगे होगा, उनकी तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है और 7 से 70 वाला जो टर्म है वो क्या है ये भी जानेंगे। तो मैं आपको उनका परिचय भी दे देती हूँ और उनसे मिलवा भी देती हूँ, इंतज़ार खत्म करती हूँ। अशोक कुमार मेरे साथ मौजूद है, पूर्व डीजीपी उत्तराखंड के मेरे साथ हैं और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हरियाणा के इस वक्त वाइस चांसलर्स भी हैं। सर आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंशिका। सर सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगी साइबर एनकाउंटर पर ही, क्योंकि साइबर एनकाउंटर आपने एक ऐसी किताब लिखी है, उस पर आपने कई किस्से भी लिखे हैं ताकि लोग उसे पढ़ें और समझें कि क्या है साइबर एनकाउंटर। साइबर फ्रॉड इन दिनों बहुत हो रहा है, क्या है सर ये साइबर फ्रॉड? देखिए, जो आज की तारीख में पूरी दुनिया डिजिटल होती जा रही है और साइबर का मतलब ये एनीथिंग जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, जो मोबाइल से रिलेटेड है, जो डिजिटल वर्ल्ड से रिलेटेड है, उसी को हम साइबर कहते हैं। तो चूंकि पूरा हमारा लाइफ जो है धीरे धीरे डिजिटल हो गया, कोरोना के दौरान तो हमने देखा इवन एजुकेशन डिजिटल हो गई, जॉब डिजिटल हो गया, वर्क फ्रॉम होम हो गया, तो सारा का सारा हमारी दुनिया जो है ना एक मुट्ठी में मोबाइल में आ गई है। बिल्कुल, हाँ। तो चूंकि लाइफ डिजिटल हुआ तो क्राइम भी डिजिटल होना ही था। तो धीरे पैसा भी डिजिटल हो गया, हाँ। बैंकिंग भी डिजिटल है, तो इसीलिए क्राइम भी डिजिटल हो गया, इसी को हम साइबर क्राइम कहते हैं। कई बार हम लोग जब से शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन तो हम बेझिझक सारी डिटेल्स भर देते हैं उसमें, बैंक अकाउंट के बारे में, फोन पे, UPI बहुत इजीली एक्सेसिबल है, क्या ये भी एक रीजन है साइबर फ्रॉड्स के? देखिए, डिटेल भरना अपने आप में रीजन नहीं है। मेन रीजन तो ये है कि चूंकि बैंकिंग ऑनलाइन है, बैंकिंग डिजिटल है, तो उसके थ्रू कोई ना कोई रास्ते निकालने हैं जिससे उसको ब्रेक करके पैसा जो है फ्रॉड रास्तों से निकाला जा सके। तो साइबर क्राइम तो ये है कि डिजिटल की दुनिया में उसको यूज करते हुए डिजिटल मीडिया को, डिजिटल माध्यमों को लोगों के साथ धोखाधड़ी करना, उसी को हम बेसिकली साइबर क्राइम कहते हैं। वैसे साइबर क्राइम में खाली फ्रॉड ही नहीं है, धोखाधड़ी तो है ही है, बाकी भी नई चीज़ें आ गई हैं, सेक्सटोर्शन और डीप फेक, ठीक है, और अभी लेटेस्ट आ गया डिजिटल अरेस्ट, तो बहुत सारे मतलब वेज ऑफ डूइंग साइबर क्राइम है। ये बहुत अच्छा सर आपने बोला डिजिटल अरेस्ट। एक्चुअली हमने अभी रिसेंटली, अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ, तो इंदौर से कई खबरें सामने आई और इंदौर से बीते कई दिनों से खबरें सामने आ रही हैं डिजिटल अरेस्ट की, क्या है ये टर्म सर? देखिए, डिजिटल अरेस्ट इंदौर ही नहीं पूरे देश में हो रहा है, ये भी एक साइबर क्राइम का लेटेस्ट मॉडल से परिणाम है। होता क्या है ना, साइबर क्राइम में पिछले कुल मिलाकर तो वैसे लगभग 20 साल से चल रहा है जी। और सबसे पहले लॉटरी फ्रॉड आते थे, फिर जो है ATM कार्ड से रिलेटेड फ्रॉड्स आए, फिर ये OTP वगैरह के फ्रॉड्स आए, वो चेंज होते जा रहे हैं। तो वो हर बार नए रास्ते निकालते हैं क्योंकि जो पुराने फ्रॉड के तरीके होते हैं उससे जनता जागरूक हो जाती है कि इस तरह से फ्रॉड भी हो सकता है। तो इस बार इन्होंने जो लेटेस्ट ये निकला है उसमें आपको क्या कहेंगे कि आपके पास कॉल आएगी कहीं से कि आपके नाम से कोई पार्सल पकड़ा गया है, उसमें ड्रग्स थी, और हम ED से कॉल कर रहे हैं, CBI से कॉल कर रहे हैं, और फिर उसको डिजिटली उसको मोबाइल या स्क्रीन पे बैठाएंगे कि आप अरेस्टेड हो, यू कैनॉट मूव फ्रॉम हियर। तो उसको बेसिकली ये साइकोलॉजिकली डरा करके, फियर साइकोसिस में ला करके, और फिर उससे पैसा जो है एक्सटोर्ट किया जाता है। सर ये बात आपने बहुत सही कही कि OTP के जरिए भी जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं, हालांकि मैंने आपके कई वीडियोस भी देखे हैं जब आपने न केवल एक किताब के जरिए इन्फॉर्मेशन साझा की है लोगों को कि साइबर फ्रॉड्स होते क्या है, बल्कि आपके कई वीडियोस में मैंने ये देखा OTP को लेकर भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स जो हैं बढ़ते हैं, क्या है सर OTP का सिस्टम? देखिए, बेसिकली मैंने जो है ना अपनी किताब में भी और वैसे भी ये कोशिश की लोगों को बताया जाए कि साइबर फ्रॉड से कैसे बचा जाए। तो जब आपका पैसा आपके खाते से OTP जब निकलता है तो एक OTP आपसे मांगा जाता है और वो OTP आप किसी न किसी रूप में दे देते हैं। तो OTP हमें बिल्कुल नहीं देना होता है, बिकॉज हमको ये जानना है कि समझना भी है कि OTP से पैसा आपके अकाउंट से निकलता है, आपके अकाउंट में आता नहीं है। तो वो बोलेंगे मुझे ट्रायल के लिए करना है, मैं 10 रुपये डाल दूंगा आपके अकाउंट में, नहीं तो आपसे OTP किसी न किसी रूप में लेना, तो वो बिल्कुल उनको प्रोवाइड नहीं करना है। वैसे साइबर की दुनिया में फ्रॉड से बचने के लिए हमें और भी कई जगह अलर्ट होना है।
सर, वैसे तो आपकी कई सारी किताबें हैं और बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं आपकी, ह्यूमन इन खाकी भी है, जो साइबर एनकाउंटर्स जो मैं खुद पर्सनली पढ़ी भी हूँ, तो उसमें कई किस्से आपने जिक्र किए हैं, कोई एक छोटा सा किस्सा बता सकते हैं अगर, ताकि अलर्ट हो जाए? साइबर एनकाउंटर किताब है, उसकी मैं पहली कहानी बताता हूँ। हाँ, तो विच इज़ बेसिकली, इसको हिंदी में बोला तो उसको मैंने विष्कन्या टाइटल दिया है, द हनी ट्रैप। हनी ट्रैप। हाँ, तो आपके पास एक 70 साल का आदमी है, अकेला रहता है, ही इज ओनली वन सन। तो वो अपने बेटा बाप को जो है कि भी खाली बैठा रहता है, बोर हो जाएगा, उसको एक मोबाइल ला के देता है या ठीक है, तो उससे वो उसको फेसबुक चलाना सिखा देता है। और फेसबुक पे उसके पास एक दिन रिक्वेस्ट आती है लंदन से किसी महिला की, 25-30 साल की महिला है, तो उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है। हाँ। और बस वहीं से उसका हनी ट्रैप शुरू हो जाता है। और जब हम केस को फाइनली वर्कआउट करते हैं, ठीक है, 97 लाख रुपए जो उस आदमी से ले लिया गया, इट्स ए रियल लाइफ स्टोरी। और सच्चाई ये थी कि जो क्लेम कर रही थी कि लंदन से कोई महिला की रिक्वेस्ट है, फ्रेंड रिक्वेस्ट, पहले तो आपको सोचना चाहिए भी कोई लंदन में बैठे महिला, वो भी यंग महिला, आपसे क्यों फ्रेंडशिप करना चाहेगी? पहला सवाल सोचने की बात है, हमें इसलिए अलर्ट होना। दूसरा, न तो लड़की थी, हाँ, न वो लंदन में बैठी थी, हाँ, कोई नॉर्थ ईस्ट का क्रिमिनल निकला। ये बहुत इजी हो गया लोगों को, हाँ, गुमराह करना। तो ऐसी ऐसी कहानियां हैं। इसी तरह से एक लेडी है जो अपना पप्पी खरीदना चाहती है, अपनी बेटी को बर्थडे पे गिफ्ट देना चाहती है, 15,000 में डील होती है। हाँ। ये क्रिमिनल कहीं कैमरून का निकला जब हमने अरेस्ट किया, धीरे धीरे करके 66 लाख रुपए उससे ले लिया। ऐसे ऐसे साइबर फ्रॉड्स होते हैं। तो बाकी तो उसमें एटीएम फ्रॉड कैसे हो रहे हैं उसकी कहानियां हैं, आपको बिजनेस पैसा डबल करने के नाम से कैसे आप, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको साइबर फ्रॉड्स के बारे में और अच्छे से जानना है तो साइबर एनकाउंटर पढ़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि सर ने उन तमाम ऐसे किस्सों का जिक्र भी किया है उस बुक में, जिससे कि आप सावधान होंगे, क्योंकि मोबाइल फ़ोन, क्योंकि सर हर किसी के पास है आज के डेट पे, चाहे गांव में बहुत पीछे के इलाके हो या कोई भी, हर कोई मोबाइल फ़ोन को कहीं ना कहीं से यूज़ कर रहा है, तो फ्रॉड का भी शिकार हो ही रहा है। ठीक है, साइबर एनकाउंटर के बारे में तो हमने बात किया कि क्या है। मैं फ्रॉड से बचने की 2-3 बातें और कहना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल सर, बोलिए कि साइबर फ्रॉड से कैसा बचा जाए। जैसे हमने आपको कहा कि OTP किसी से शेयर नहीं करना है, अपने जो KYC डिटेल्स किसी से शेयर नहीं करनी है। दूसरा, तीसरा ये कि साइबर की दुनिया में 100% सेफ कुछ नहीं है, नहीं ये हमें समझना है। तो कुछ भी अननोन हो रहा है, कुछ भी नया हो रहा है ना, हमें क्वेश्चन जरूर डालना है, व्हाई, व्हाट, क्यों, ऐसे क्यों मांग रहे हैं मेरे से, ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्या हो गया ऐसा। जब हम सवाल डालेंगे ना, जैसे आजकल एक चल रहा है डीप फेक, डीप फेक में आपके बेटे की आवाज मान लिया उन्होंने क्लोन कर ली, उसी आवाज में आएगा, बेटा बोलेगा दूसरी तरफ से, पापा मेरे गले पे चाकू लगाया हुआ है, हाँ, और इसको 5 लाख रुपए इसके खाते में डाल दो, हाँ, तो आप डर के मारे डाल देंगे, ठीक है ना। तो जबकि आपने तो पता करते तो पता चला बेटा तो कहीं और है। तो फेक जो है ना, डीप फेक वॉइस थी उसकी, उससे आपको डरा करके पैसा ले लिया। बट ये सर इतना इजी कैसे हो गया लोगों के लिए करना? साइबर फ्रॉड इसलिए है कि हम या तो डर की वजह से मरते हैं या लालच की वजह से मरते हैं, हाँ, और या फिर अपनी इग्नोरेंस की वजह से, हाँ, ये 3 बातें हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, एक तो हमने कोई अननोन लिंक नहीं खोलना, हमारे व्हाट्सएप पे, हमारे SMS पे, हमारी मेल पे कोई भी अननोन लिंक आ रहा है ना, हाँ, उसे वेरीफाइड हुए बिना खोलिए मत। उसका इतना बड़ा दुष्परिणाम हो सकता है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मान लिया आपके व्हाट्सएप पे एक लिंक आया, कुछ प्रॉमिस कर रहा है कि हम ये करेंगे, और आपने उसे क्लिक कर दिया, क्लिक करते ही ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं कि आपका मोबाइल पूरा दूसरे के हाथ में चला गया। ओके। 100% क्लोन, यानी आपके सारे फोटो, सारे वीडियो, सारी चैट सब उसे दिखेगा, एजिप कि उसके हाथ में आपका मोबाइल है। ओके। तो आपके तो सब कुछ गया। तो कोई भी लिंक कहीं unknown पर link, भी आए, अननोन लिंक, हाँ, तो बिल्कुल भी उसे टच मत करिए, बिल्कुल भी उसको ओपन करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि एक तरह से रिमोट एक्सेस हो जाता है वो किसी और के पास। इसी तरह से अननोन वीडियो कॉल उठा लिया आपने, अननोन वीडियो कॉल आई, हमने उठा ली, हेलो, आपने हेलो किया, उधर से कोई, मे बी देयर इज अ न्यूड फीमेल, बस आपके साथ स्क्रीनशॉट लिया और फिर ब्लैकमेलिंग शुरू। सर, फोन नंबर्स जो होते हैं मोस्टली कॉल, जो फ्रॉड कॉल्स आते हैं वो ऐसे आते हैं जैसे कोई नंबर हो, नॉर्मल नंबर, तो ये नंबर्स कैसे वो यूज करते हैं इन चीजों के लिए, इसका कोई मतलब, कोई सिक्योरिटी? बल्कि आपको लगेगा विदेश का नंबर है। हाँ। इसको स्पूफिंग बोलते हैं, स्पूफ मतलब ऐसा नंबर जो एक्चुअल कुछ और होता, दिखता कुछ और, ऐसे भी होता है। दूसरा, जितने साइबर क्रिमिनल्स हैं वो, उनको जब हम पकड़ते हैं ना, एक एक के पास से 200-300 सिम कार्ड मिलते हैं,
सो दे आर यूजिंग इट फेक नाम से, जो कंपनियां हैं बिजनेस के चक्कर में, जबकि उनको नहीं देना चाहिए ना प्रॉपर केवाईसी के बिना, प्रॉपर वेरिफिकेशन के बिना सिम कार्ड नहीं देना चाहिए। इसी तरह बैंक अकाउंट नहीं खोलने चाहिए, बैंक अकाउंट खुल रहे हैं, लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, तो ये वो लूप होल्स हैं जिनको हमें प्लग करने की ज़रूरत है। तो ये वो सावधानियां हैं जो बता भी रहे थे सर कि लिंक कोई भी अननोन हो तो उसे ओपन मत करिए, केवाईसी के डिटेल्स कहीं शेयर मत कीजिए, या फिर कोई ओटीपी है तो अगर आपने कोई चीज़ ऑर्डर नहीं की है तो किसी से भी ओटीपी शेयर करना भी आपके लिए खतरनाक हो सकता है। ये वो तमाम सावधानियां हैं। ठीक है सर, लगातार बातचीत रहेगी साइबर फ्रॉड्स पर भी, लेकिन एक चीज़ है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मतलब एक व्यक्ति जिसे पूरा देश देखना चाह रहा था आने के बाद में, उसको आपने पता नहीं कौन से ऐसे जासूसी जगह से लेकर आकर आपने इतना बड़ा कार्यक्रम किया। नीरज चोपड़ा की बात कर रही हूँ सर, मैं कैसे हो पाया ये पॉसिबल आपसे? देखिए पहली बात तो जो पेरिस ओलंपिक खत्म हो गए 11 अगस्त को, ठीक है, और उसके बाद नीरज के एक और इवेंट थी आपको पता है डायमंड लीग, जहाँ भी उसने सिल्वर मेडल जीता, और उसके बाद उसकी कुछ इंजरी थी, उसका उसे इलाज कराना था, तो बाकी सारे प्लेयर देश में लौट आए, उनका वेलकम हो गया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से भी मिले, सब कुछ हुआ आपको पता है, इवन पैरालंपिक वाले भी मिले थे। तो ये चूंकि बाहर था देश के और उसको बस ये लग रहा था कि वो आएगा आते ही फिर घिर जाएगा इन सबसे, और वो फैमिली को टाइम नहीं दे पाता, ट्रेनिंग भी बाहर कर रहे हैं, तो वो अपना आकर के चुपचाप 2-3 दिन घर पे रहा अकेला। नहीं वो वेलकमिंग डिड नॉट अलाउ एनीबॉडी कि उसको पता ना चलने दे। मेरी बात क्या हुआ, मैं पेरिस गया था ओलंपिक देखने, तो वहाँ मेरी से मुलाकात हो गई थी एंड मैंने कहा कि भाई हमारी यूनिवर्सिटी में जरूर आना, ही प्रोमिस्ड, तो मैं उसके टच में था और उसने भी लकीली हम फर्स्ट पब्लिक अपेयरेंस हमारी यूनिवर्सिटी में ही दी। वैसे यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें उन्होंने बहुत अच्छा बोला है, बहुत यूजफुल बोला। हालांकि वो क्लिप्स जो आपने शेयर किए अपने सोशल मीडिया पर, मैंने वो देखा भी कि बड़े ही एकदम बढ़िया भाषा में, हरियाणवी में नीरज चोपड़ा ने एक्सक्लूसिवली आपने बुलाया तो उन्होंने दिया, क्या ये सोनीपत के, तो क्योंकि आप बॉर्न हैं ही, तो क्या ये रिलेशन इसलिए ज़्यादा? नहीं, रिलेशन तो हमारा है, वो अलग है, उनकी मदर मेरे गांव के हैं, बट उसके अलावा भी यूनिवर्सिटी थी जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राय में, हमने उन्हें प्रॉमिस ले लिया था एंड फुलफिल्ड इज प्रॉमिस, और वो उनके सबसे इंडिया में आने के बाद फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस थी, उससे पहले वो साइलेंटली अपने घर पे रहा 2-3 दिन, किसी को पता नहीं चला। वेलकमिंग रहा उनका और नहीं, वो बनता था देश में आ रहे पहली बार, तो हमने उनके सम्मान में जो है पायलट में घोड़े लगाए, बच्चों का बैंड लगाया, और बच्चे इतने एक्साइटेड थे आप इमेजिन नहीं कर सकते। क्योंकि खिलाड़ियों की बात हो रही है तो मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, हाल ही में जो आपने एक कार्यक्रम आयोजित किया तो वो एक उसका जो मेन थीम था वो 7 से 70 का था, आने वाले सालों में 2036 तक आप ये चाहते हैं कि जो 7 मेडल हैं वो 70 तक पहुंच जाए, कैसे सर, कैसे पॉसिबल होगा, क्या ज़रूरत है? देखिए हमने चूंकि नीरज से भी बात हो गई थी कि उसको आना यूनिवर्सिटी, तो हमने उसके अनुरूप ये एक बड़ी कॉन्फ्रेंस को डिजाइन किया कि भाई कोई चर्चा करें, सार्थक चर्चा करें जिससे देश को भी कुछ मिले, ठीक है ना। तो ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसका टाइटल रखा था हमने लक्ष्य ओलंपिक 2036 7 से 70 तक का सफ़र, ठीक है। तो 2036 हमने इसलिए चुना क्योंकि 2036 के लिए इंडिया ने बिड किया हुआ है कि ओलंपिक हमारे देश में हो, ऐसा अगर होता है तो पहली बार होगा, बिल्कुल, ठीक है। तो मैंने इसको कहाँ से लिंक किया, 2012 में बीजिंग ओलंपिक हुए, तो चाइना में जब ओलंपिक्स हुए तो उसने दुनिया को ये दिखाया कि हम स्पोर्ट्स में सुपर पावर बन सकते हैं, और दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि यूएसए नंबर टू पे चला गया। चाइना ने नंबर वन हो गया, जब वो अपने देश में करा रहा है तो उसने प्रेस्टिज इशू बना लिया कि हमें नंबर वन पहुंचना है, और उसी तरह से ट्रेन किया अपने एथलीट्स को। तो हम दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री हैं और हम 6-7 पे खुश हो जा रहे हैं, तो इसका हम बहुत पीछे हैं, 50वें रैंक से पीछे हैं। 2036 में जब हमारे यहाँ भी ओलंपिक होंगे तो हमारा भी यही टारगेट होना चाहिए कि हमें नंबर वन आ जाए, तो मैंने नंबर वन तो नहीं एटलीस्ट टॉप 5 में आ सकूं वो टारगेट रखा, क्योंकि बहुत दूर है हमें भी और 12 साल हैं, तो अभी असंभव नहीं है। यही चर्चा इस पूरी कॉन्फ्रेंस में कि असंभव नहीं है, अभी भी हम 8 से 12 साल के बच्चों को पकड़ लें जिनको 12 साल बाद ओलंपिक खेलना है और उनके पीछे पूरा रगड़ा लगा दे पूरा हर चीज का, तो टारगेट संभव है। असंभव में साइलेंट कर दो तो हर चीज संभव है, जैसे इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल बिकॉज़ द वर्ड इटसेल्फ इज आई एम पॉसिबल। तो इसी टॉपिक का इस कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन किया नीरज ने, और उसने बहुत अच्छे अपने विचार दिए, और जो आप हरियाणवी बोल रहे हैं, जो जिसने अगर किसी बच्चे ने हरियाणवी में सवाल पूछा तो उसने
उसी भाषा में जवाब दिया, बाकी हिंदी में दिया। है ना कि आप विदेशों में भी चले जाइए लेकिन आप अपने जड़ों को कभी नहीं, जड़ों से जुड़े रहते हैं। नीरज चोपड़ा की एक खासियत है। बिल्कुल, तो उसने ये बोला हमारे पास स्टेडियम्स की कमी है, बड़ा पॉइंट बोला, बड़ी पॉइंट। हाँ, फिर बाकी और बहुत सारी चर्चाएं हुई, कोचिंग का स्टैंडर्ड क्या है, उसको कैसे सुधारा जाए, और लोगों को जॉब्स के इश्यूज हैं। कुछ लोग हैं कि भाई किसी खेल इसलिए रहे कि किसी तरह जॉब में आ जाए। जॉब में आना जरूरी है, सिक्योरिटी जरूरी है जॉब्स, किंतु उसके आगे भी तो बढ़ना है ना। बिल्कुल, देश को मतलब हमें लंबी और बड़ी सोच रखेंगे तो सर अभी हम कुछ अचीव करेंगे। कंपेयर किया जाए, चाइना है, यूएस है और इंडिया है, हमारे देश के कई लोग जाते हैं विदेशों में और कई सारे गेम्स खेल कर आते भी हैं और जीतते भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी हमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है, आपको क्या लगता है? क्योंकि अभी 12 साल, इट्स अ बिग थिंग ना कि अभी 12 साल है हमारे पास, तो हम कौन कौन से की पॉइंट्स पे काम कर सकते हैं? देखिए, अभी हमारा जो स्टैंडर्ड है वो एशियंस में, तो एशियन गेम्स में हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं, टॉप 5 में आ गए हैं, और सीधा हमने इस बार आपने देखा 2023 में एशियन गेम्स में 50 से 100 की तरफ गए मेडल्स। किंतु एशियन गेम्स और ओलंपिक में भी बहुत बड़ा गैप है। आप देखो सारा एथलेटिक दुनिया अफ्रीकन डोमिनेटेड है, एथलेटिक्स, स्विमिंग को देखेंगे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका छाए हुए हैं, तो जो जिमनास्टिक देखेंगे तो यूरोप छाया हुआ है। तो हमारे को क्या ज़रूरत है, 3-4 चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब स्टेडियम्स ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एटलीस्ट पूरे देश में। देखो हरियाणा के 4 मेडल आए इस बार, हरियाणा की पॉपुलेशन 2% है। बिल्कुल, तो अगर पूरा देश हरियाणा की तरफ फॉलो करने लगे ऐसे ही हम 200 मेडल पे पहुंच जाएंगे। ऐसे में हरियाणा साइड में भी एक बड़ा स्टेडियम होना बहुत जरूरी है। तो दूसरा यह है कि हर डिस्ट्रिक्ट में हम एक नेशनल लेवल का स्टेडियम बना सकें, मतलब जो अभी नेशनल लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट आएगा, बच्चों को एक माहौल मिलेगा ना। तो स्टेडियम्स को बेटर करना है, फिर उनकी एक जो जॉब सिक्योरिटी है बच्चों को, उसको बेटर करना है। स्पोर्ट्स साइंस का लेवल सुधारने के लिए जो स्पोर्ट्स कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ बन रहे हैं उनको बेटर करना है, कोचेज का स्टैंडर्ड के लिए उसको बेटर करना है। ये सारी चीज़ों में जब धीरे धीरे सुधार होगा, हमने टेक ऑफ तो कर लिया है, एक स्पोर्ट्स का एक प्रकार से कल्चर बनने की बात है, इकोसिस्टम बनने की बात है, किंतु उस टेक ऑफ को उसके लॉजिकल एंड तक ले जाना है कि ओलंपिक मेडल तक ले जाना है जो दुनिया का शीर्ष है। बिल्कुल। तो एक और बड़ी बात है, हम लोग ना अभी कुछ लिमिटेड खेलों पे फोकस कर रहे हैं। जबकि जहाँ सबसे ज़्यादा मेडल हैं वहाँ फोकस कम है। सबसे ज़्यादा मेडल है स्विमिंग में, आपने एथलेटिक्स में, जिमनास्टिक्स में, कायाकिंग कनोइंग में, वहाँ हम लोग प्रयास भी नहीं कर रहे। मेन सर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। देखिए इंफ्रा एक पॉइंट है, तो चारों पांचों पॉइंट है। कोई भी जैसे अच्छा इंस्टीट्यूट कैसे बनता है, अच्छे इंफ्रा हो, अच्छे स्टूडेंट्स हो, अच्छे टीचर हो। तो अच्छा इंफ्रा हो, अच्छे प्लेयर्स हो, मतलब प्लेयर्स आना चाहें भर के, मतलब हजारों में जब आएंगे तभी तो, लाखों में आएंगे तो हजारों में जीतेंगे हैं, और फिर अच्छे कोचेज हों, कोचेस, ये 3 चीज़ हुई तो हम सर्टेनली जीतेंगे। अच्छा सर, क्योंकि आप हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हैं, तो आपने क्या अब तक भापा है कि हमारे जो जितने भी प्लेयर्स हैं उनको रुचि किस में सबसे ज़्यादा है, सबसे इंटरेस्ट किस में ज़्यादा है? नहीं, खेलों में। हाँ, खेलों में देखिए हरियाणा में तो 3 खेल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, कुश्ती, कबड्डी और बॉक्सिंग। बॉक्सिंग, तो वो कहीं ना कहीं थोड़े मार्शल से भी जुड़े हुए हैं, बॉडी गेम से भी जुड़े हुए हैं। इन खेलों में पैसा भी नहीं लगता था, अब आप टेनिस खेलिए, बैडमिंटन खेलिए तो बहुत पैसे, कॉस्टली गेम है, गोल्फ तो उनके रीच के बाहर है, तो वो फैक्टर है। पर हमें इसके साथ साथ और जितने भी ओलंपिक खेल हैं सब में अपने को वो करना है, बिल्कुल सब में आगे आना है, सब पे फोकस करना है। हम फोकस ही नहीं कर रहे हैं, फोकस ही 13-14 खेल में कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये देखिए गेम्स को लेकर हमारी बातचीत, और साथ ही जो ये 7 से 70 का सफ़र है ये कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है और इसमें क्या कुछ खास रहने वाला है, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे सर आपने नीरज चोपड़ा से बात भी किया, तो उनका एक पर्सनल जो कहते हैं कि कहते हैं एक्सपीरियंस, वो कैसा रहा कि उन्हें क्या लगा कि हाँ उनको और यहाँ तक चीज़ें लेके जा सकती हैं, क्या उन्हें मिलनी चाहिए? और उनका सबसे मुख्य तो यही कहना था, फर्स्ट पॉइंट था कि स्टेडियम्स की और ज़्यादा ज़रूरत है। उसके पास स्टेडियम्स के लिए उसे बहुत दूर जाना पड़ता था और वहाँ भी फुल क्वालिटी के स्टेडियम्स नहीं थे, अब धीरे धीरे सुधर रहे हैं। तो मतलब जिसको मैं इंफ्रास्ट्रक्चर कहूँगा, स्टेडियम्स हों, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हों, नेशनल स्टैंडर्ड के, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, उसके बाद आती है कोचिंग। तो कोचिंग का स्टैंडर्ड सुधर रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल में और हमारे में गैप है, तो उस गैप को भरना है।
तो ये इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जिनमें सुधार की ज़रूरत है। हालांकि अभी 12 साल के बीच में मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हम देखें हमें कवर कर लेंगे, कवर कर लेंगे। और हाँ, और आप क्योंकि आप इतने एफर्ट्स ले रहे हैं तो फिर बात ही अलग है। सर, आई विल कम टू पुलिसिंग ऑल्सो थोड़ा सा, क्योंकि आप एक बहुत बड़े पद पर रह चुके हैं और अब जिस तरह के फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं, क्या चुनौतीपूर्ण हो चुका है जॉब? नहीं, देखिए फ्रॉड्स तो पहले भी थे, हाँ। बट आज की डेट में साइबर फ्रॉड बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। और ये बड़ी चुनौती इसलिए हुई है कि इसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। देखिए ना, फिजिकल क्राइम आप करते थे ना, दिन में एक या दो कर लेंगे, फिर कहीं ना कहीं आपको भागना है, नहीं तो ट्रैक हो जाएंगे, पकड़े जाएंगे, CCTV में आ जाएंगे। बट डिजिटल क्राइम क्या है, आप हजारों मील दूर बैठे हो और एक दिन में आपने 100 लोगों को भेज दिया मैसेज, तो 50 जाल में फंस गए, तो एक ही दिन में 50 क्राइम हो गए ना। अच्छा, मैं बहुत मोटिवेशनल स्पीचेस भी आपके देखती हूँ आपके फेसबुक पे, UPSC को लेकर भी आपने काफ़ी अच्छी बातें कही है, तो थोड़ा उस पर भी आप कुछ अगर बोलना चाहें, क्योंकि UPSC के कई ऐसे बच्चे हैं जो अपना गांव जहां छोड़कर आते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन असफलता पाने पर बड़े बड़े कदम उठा लेते हैं। देखिए, UPSC अपने आप में एक बहुत बड़ा सपना है, और सपना भी इसलिए और सही भी है कि वो एक माध्यम बचा है जिससे हमारा एकदम से समाज का लोवेस्ट स्टेटा का बच्चा और एक अपने दिमाग से पढ़ाई से सीधा से टॉप स्टेटस की तरफ आ जाता है। अदरवाइज और रास्ते आसानी से हैं नहीं, नहीं। पूरे देश में अगर आप देखेंगे एकदम से इतना बड़ा चेंज और किसी एग्जाम में पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो या तो वो मुझे लगता है इलेक्शन से हो पाता है, और या ये सिलेक्शन, तो ये सिलेक्शन देश का टॉप मोस्ट सिलेक्शन है। इसलिए लाखों बच्चे जो है इस सपने के पीछे हैं। जो आने वाले साल के लिए बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, हाँ। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अपने सपने जरूर रखो, क्योंकि सपनों से ही, जब सपने बड़े होंगे तो रिजल्ट भी बड़े होंगे। खेल की भी वही बात है, UPSC की भी वही बात है, किंतु सपने रियलिस्टिक भी होने चाहिए। कहते हैं ना, गोल्स, स्मार्ट गोल्स, गोल्स जो हैं मेजरेबल हों, अचीवेबल हों, रियलिस्टिक हों। तो स्मार्ट हमारे गोल जो हैं ऐसे बनाए हम कि जो अचीवेबल हैं, और फिर उसके पीछे अर्जुन की तरह एकदम फोकस्ड होकर के कंसंट्रेटेड उससे अपनी तैयारी करेंगे तो हमारे सपने जरूर सफल होंगे। अच्छा, मैं उन छोटे बच्चों के बारे में भी बात करना चाहूँगी सर, जो आजकल फ़ोन पर गेम्स खेल रहे हैं। फ़ोन पर गेमिंग के चक्कर में कुछ कुछ कमांड्स ऐसी आते हैं जिसके बाद वो बड़े बड़े स्टेप्स उठा लेते हैं, कोई छत से कूद जा रहा है तो कोई रूम में फांसी लगा ले रहा है, आप उनके लिए क्या कहेंगे? मुझे तो लगता है बहुत ही गलत लत है, बहुत ही गड़बड़ है, और इसको किसी तरह रोकने की ज़रूरत है। और छोटे बच्चों को भी ये जो इंडोर गेम्स है ना, उनकी आँखों को भी ख़राब कर रहे हैं, उनकी हेल्थ को भी ख़राब कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा पेरेंट्स से कि बच्चों को इससे दूर रखें और उनको रियल स्पोर्ट्स की दुनिया दिखाएं, आउटडोर गेम्स की दुनिया दिखाएं, जहाँ पे फिजिकली भी कुछ होता है। अब फिजिकली एक्टिव होता है ना जो स्पोर्ट्स पर्सन, तो मेंटली भी वो एक्टिव होता है। बिल्कुल, इंडिया को और भी ज्यादा जरूरत है कि और भी ढेर सारे बच्चे आए, क्योंकि हम अप्रिशिएट ही कर रहे हैं। yes. इसलिए फोन से हटकर अगर फिजिकली आगे आएंगे तो शायद ये जो 7 से 70 का सफर है तब सफल भी हो सकता है, सफल हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे भी गेम्स हैं जिनमें कि सर आप बता रहे हैं कि अभी हमें हमारे पास प्लेयर्स की कमी है, या कह लीजिए उन्हें इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। स्विमिंग और जिमनास्टिक का आपने जिक्र किया, तो इसमें हमारा लेवल वर्ल्ड लेवल से बहुत नीचे नीचे, तो हमें उसको उठाना पड़ेगा। जैसे बैडमिंटन में वर्ल्ड लेवल पे आ गए, ठीक है, क्रिकेट में पहले से हैं, तो क्रिकेट तो अभी ओलंपिक गेम नहीं है, अभी शायद जुड़ने वाला है। तो हमें जिन खेलों में हम सोचते हैं कि हमारा लेवल नहीं है तो हम उस पर फोकस ही नहीं कर रहे, उस पर पैसा भी नहीं लगा रही गवर्नमेंट। तो मैं कह रहा हूँ सब पे लगाओ, हम सब में आगे आ सकते हैं। अच्छा, क्योंकि देखिए सभी लोगों का जिक्र हुआ है इस बातचीत में, कॉन्वर्जेशन में, मैं कुहू का भी जिक्र करूँगी। शी इज़ रियली वेरी हार्ड वर्किंग, उसको इंजरी थी, बैडमिंटन उसने नहीं छोड़ा, उसने जैसे तैसे अच्छे से पढ़ाई की, उसका IAS क्वालिफाई उसने किया। मतलब आप तो खैर ड्यूटी पर थे पूरे टाइम पर, मैम भी ड्यूटी पर रहती थी, तो कैसे आपने मैनेज किया, वो कैसे कॉन्सेंट्रेट करती थी दोनों? एक क्योंकि कहते हैं ना वर्किंग पेरेंट्स होते हैं तो बच्चों पे थोड़ा कम ध्यान रहता है, बट शी इज़ मतलब एक बड़ा नज़ीर है वो। देखिए वो तो उसकी तो पूरा सपना बैडमिंटन के साथ जुड़ा हुआ था, हाँ। वर्ल्ड चैम्पियनशिप तक वो सारे खेल चुकी थी, एशियन चैम्पियनशिप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, इंटरनेशनल मेडल्स काफ़ी सारे जीते उसने, ओपन सीरीज जीती, पर ओलंपिक बाकी था। और इस सपने के बीच में उसकी जो है इंजरी हो गई, और इंजरी के बाद उसे सर्जरी करानी पड़ी। तो चूंकि मैं सिविल सर्विस में था तो बच्चे देखते तो हैं ही, तो ऐसे टाइम पे उन्होंने जो है अपना ये टारगेट बनाया कि ठीक है जो खाली पीरियड है सर्जरी से रिकवरी का पीरियड है, इसमें मैं एग्ज़ाम दे के देख लेती हूँ,
और जब एक बार एंटर करी तो उसे एंजॉय करने लगे, उसको अच्छा लगने लगा कि तो बहुत बढ़िया चीज़ है, इसमें सोसाइटी को सर्व करने के बहुत मौके आते हैं। फिर वो 10 घंटे 6-8 घंटे से शुरू किया तो 12-14 घंटे तक गई पर डे और फाइनली क्रैक कर लिया। नो शी इज़ रियली वेरी हार्ड वर्किंग और ये उसको कहीं ना कहीं विरासत में ही मिली है हार्ड वर्किंग, क्योंकि मैंने खुद देखा है पर्सनल लेवल पर कि कैसे आपने एकदम ही, शायद जब बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट खुले थे उस वक्त इतनी आउट ऑफ कंट्रोल भीड़ थी, लेकिन आप वहाँ पर मौजूद थे, सबको हटाने के धक्के आपको भी लगे थे वहाँ पर मैंने ये भी देखा था। कोई बात नहीं। लेकिन वही कहते हैं कि धक्के लग लग के इंसान बहुत आगे बढ़ता है और उसके आप खुद एक बहुत बड़े मिसाल हैं। जाते जाते क्योंकि साइबर फ्रॉड्स को लेकर हमारा खास तौर पर बहुत ज़्यादा सचेत करना था लोगों को, और गेम्स के लिए भी आप बढ़ चढ़ कर आगे आइए, हिस्सा लीजिए अलग अलग गेम्स में। सर कुछ और आप संदेश देना चाहें हमारे व्यूअर्स को, यंगस्टर्स को? नहीं, स्पोर्ट्स में तो यही है कि स्पोर्ट्स की दुनिया से मज़ेदार कुछ नहीं है, और अगर आप फोकस्ड होकर के लग जाएंगे, नीरज चोपड़ा का एक एग्जांपल है, एकदम छोटे से गांव से उठा बिना किसी फैसिलिटी के, वो स्पोर्ट्स की दुनिया के का सिरमौर है अभी और गोल्ड मेडल तक चला गया, तो सब संभव है और हम स्पोर्ट्स की दुनिया में भी वर्ल्ड में सुपर पावर बन सकते हैं। बिल्कुल, तो सुपर पावर बनने के लिए आप ज़रूर इसमें हिस्सेदारी बनिए। सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आप आए और आपने बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस भी किया, तो ध्यान रखिएगा किसी भी साइबर फ्रॉड से अगर आपको बचना है तो कोई अननोन लिंक आपको नहीं खोलना, OTP शेयर नहीं करना, KYC डिटेल्स आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा अगर आप लालच में नहीं फंसना, लालच में नहीं फंसना, किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आना, डिजिटल अरेस्ट तो ब्लैकमेलिंग है ना, जब आपने कोई पार्सल मंगवाया ही नहीं तो क्यों, किस बात का आपको वो कर लेंगे, तो इसलिए ब्लैकमेलिंग और खास तौर पर है कि किसी की बातों में नहीं आना है, किसी की बातों में नहीं आना, आपको पता है आपने क्या किया है उसी पर जाइए, दूसरी चीज़ों पर अगर आप जाएंगे तो फंस जाएंगे। तो इसलिए इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली है, और आगे भी हम इस तरह के और भी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल सर आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू, नमस्कार।